साथियों, मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर पीएस राजपूत, 56 यूपी बटालियन एनसीसी झांसी, यूपी डायरेक्टर। तो आज मैं ये वीडियो उन सभी कैडेट्स के लिए लेके आ रहा हूँ जिसको पता नहीं रहता कि टीएससी कैंप जो थल सैनिक कैंप है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि टीएससी कैंप में सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे पहले यूनिट लेवल पर सिलेक्शन होता है और यूनिट लेवल पर केवल उन्हीं कैडेट्स का सिलेक्शन होता है जो ऑप्टिकल्स में अच्छे होते हैं, शूटिंग में अच्छे होते हैं और हेल्थ एंड हाइजीन का जो रिटन टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ग्रुप जो टेंट पिचिंग होता है वो ग्रुप टास्क दिया जाता है, अगर आप उसमें भी बेस्ट होते तो आपकी ग्रुप की टीम बनती है पूरी। तो ये आपका यूनिट लेवल पर सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका फिर जो आपका ग्रुप है ग्रुप बनेगा। जैसे मैं कानपुर ग्रुप से बिलोंग करता हूं तो कानपुर ग्रुप में फिर इसका सिलेक्शन होता है। कानपुर ग्रुप में भी सारे यूनिट्स के कैडेट्स आते हैं, यूनिट्स के कैडेट्स का आपस में कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट कैडेट निकलते हैं उन सबका ही सिलेक्शन होता है ग्रुप में। जैसे आपका ग्रुप में सिलेक्शन हो, वहाँ पर भी 3-4 कैंप चलते रहते हैं, डे बाय डे चलते रहते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। ऑप्टिकल्स फुल वेपन्स के साथ और पोस्ट बिट्टू के साथ आपकी ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद ग्रुप में जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ग्रुप जाते हैं आपस में एक ग्रुप। जितने मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी में हमारे 11 ग्रुप है जो सब आपस में कंपटीशन करते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक के बाद एक जो बेस्ट से बेस्ट कैडेट निकालते हैं, तो जो ऑप्टिकल्स में और जो टीएससी कैंप का सबसे बेस्ट है ऑप्टिकल्स और शूटिंग, अगर आप इन दोनों में परफेक्ट हैं तो आपका टीएससी में सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसके बाद आपका ग्रुप में पहुंच जाते हैं, ग्रुप में सिलेक्शन चलता है। ग्रुप में सिलेक्शन के बाद फिर जो भी बेस्ट कैडेट निकलते हैं उन सबका एक टीम बनती है। जैसे यूपी डायरेक्टरेट है तो यूपी डायरेक्टरेट की टीम बनती है, फिर वहाँ पर इन लोगों का सिलेक्शन अच्छे से होता है, फिर इनका जो भी है ड्रेसेस बूट्स इन सबको दोबारा पूरी किट दी जाती है टीएससी की तरफ से, यूपी डायरेक्टरेट की तरफ से। हर डायरेक्टरेट अपने अपने कैडेट्स को ये टीम जो वो है पूरा बैग्स वो सब देता है। उसके बाद फिर आपका जैसे यूपी की टीम जाती है, फिर ये पूरा 17 डायरेक्टरेट है हमारे एनसीसी में, तो सारे दिल्ली जाते हैं, दिल्ली इनको इन लोगों का कंपटीशन होता है। तो उसमें जो बेस्ट कैडेट होते हैं या जो सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उन लोगों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है टीएससी कैंप को ज्वाइन करने की। अगर आप भी इच्छुक रखते हैं, आपको भी एनसीसी ब्लेजर एंड किट यूनिफॉर्म ये सब पहने बैचेस ये सब पहनने की ज़रूरत है, आपको भी चाहते हैं कि हमें भी मिले, तो आप जरूर टीएससी कैंप कीजिएगा, बहुत अच्छा कैंप है। बस आप याद रखिएगा शूटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऑप्टिकल ट्रेनिंग आना चाहिए, दो अगर आपके बेस्ट है तो आप टीएससी में सिलेक्शन जरूर ले पाएंगे। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके सबके रिप्लाई जरूर करूँगा, कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, जय हिंद।